दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा पुलिस की तत्परता और सूझबूझ के कारण मॉब लिंचिंग की घटना को टाला जा सका। नालंदा पुलिस ने इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अपहृत युवक को महज कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत वस्ती गांव निवासी शत्रुघ्न सिंह का पुत्र सतीश कुमार, रामचंद्र सिंह का पुत्र अजीत कुमार, संजय सिंह का पुत्र नीरज कुमार, अभिषेक कुमार का पुत्र सुमन कुमार एवं बिंद थाना क्षेत्र के कथराही गांव निवासी रामाधीन प्रसाद का पुत्र रवि कुमार शामिल है। घटना के संबंध में बताते चले कि शनिवार की सुबह अपहरणकर्ताओं ने पटना जिले के फतुहा ओवरब्रिज के पास से दो युवक को अगवा कर लिया। अगवा युवक कतरीसराय के लोहराजपुर निवासी मिथिलेश प्रसाद का पुत्र आकाशदीप एवं नवादा जिले के अकबरपुर के हनुमानगढ़ निवासी आजादी प्रसाद का पुत्र रहीश कुमार है। बताया जाता है कि अपहृत दोनों युवक पटना मीठापुर में रहकर पढ़ाई करता है और पटना से दोनों युवक बाइक से हरनौत बीएड कॉलेज आ रहे थे। इसी दौरान अपहरणकर्ताओं ने फतुहा के समीप पिस्तौल का भय दिखाकर दोनों युवक को अगवा कर नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के कथराही गांव के खंधा में लाकर मारपीट कर बाप से 5 लाख रुपया मांगने को कह रहा था। इसी दौरान राहगीरों ने मारपीट करते देखकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर अपहरणकर्ताओं भागकर कथराही गांव में घुस गए। ग्रामीणों ने भाग रहे एक अपहरणकर्ता को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से अपहरणकर्ता को छुड़ाया, जबकि अन्य अपहरणकर्ता एक घर में छुप गया, जिसे पुलिस ने घेर कर सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार की बरामदगी को लेकर घरों की तलाशी भी ली, लेकिन हथियार बरामद नहीं हो सका। विंध थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रवि कुमार नूरसराय प्रखंड के नीरपुर पंचायत मुखिया सिमरन प्रसाद उर्फ सिब्बू के मर्डर केस में कुछ ही महीनों पहले जमानत पर जेल से बाहर आया है। इधर पुलिस ने दोनों अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और पांचों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।